हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस इन सी। तो समझते हैं फंक्शंस क्या है। सबसे पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन, द फंक्शन कंटेन्स द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस। अभी इस लाइन में ये बताया है कि फंक्शन जो होते हैं उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे होते हैं, तो उसे आगे हम लोग देखने ही वाले हैं। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी। फंक्शन का एक बेनिफिट ये है कि फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ फंक्शंस क्रिएट्स अ प्रोग्राम। द फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीजर। एक प्रोसीजर पूरी की पूरी जो होती है उसे भी फंक्शन कहा जाता है। वैसे तो दो टाइप्स है फंक्शंस के, एक प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। वैसे प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रिंट एफ ये एक फंक्शन है, उसके आगे दो ब्रैकेट्स हैं, इसके लिए उसे फंक्शन कहा जाएगा। स्कैन एफ, उसके भी आगे हम दो ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसके लिए वो भी एक फंक्शन है। गेट सी एच, ये भी एक फंक्शन है। तो इनके बारे में पहले से बताया हुआ है, इसके लिए इन्हें प्री डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। जैसे ही कंपाइलर मेन से कोडिंग एग्जीक्यूट करना कोड को शुरू करता है तो उसे जब लाइंस मिलती हैं, जैसे उसे प्रिंटएफ जब मिलता है तो प्रिंटएफ का मीनिंग ढूंढने के लिए वो लाइब्रेरी फाइल्स में जाता है या हेडर फाइल्स में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि प्रिंटएफ का मतलब है आउटपुट स्क्रीन पे किसी मैसेज को प्रिंट कराना। उसी तरह से स्कैनएफ का भी मीनिंग ढूंढने जाता है वो, गेट सी एच का भी मीनिंग ढूंढने जाता है। पहले से मीनिंग बताया हुआ है इसीलिए वो जा पा रहा है। अगर मैं प्रिंटएफ की स्पेलिंग ही गलत लिखूं तो उस गलत स्पेलिंग का भी मीनिंग ढूंढने हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ पहले से नहीं डिफाइन किया तो एरर आएगा कि अनडिफाइंड सिंबल। आप लोग ऐसे टाइप के एरर देख सकते हो, देखते ही हो। दूसरा टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो यूजर खुद डिफाइन करता है, जिनके बारे में यूजर खुद बताता है, तो वो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो उसके दो टाइप्स हैं, कॉल बाय वैल्यू और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। हम लोग समझेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में अभी। तो वैसे तो ये सिंटैक्स है कि सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखा जाता है, फिर फंक्शन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद पैरामीटर, कौन क्या पैरामीटर्स रिसीव करने वाला है वो फंक्शन, और उसके बाद अंदर कोड। तो अभी हम लोग देखते हैं सर है, तो इसमें हम लोग प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू, मैं एक एम्प्टी फाइल सेलेक्ट करता हूँ और इस फाइल को पहले तो नाम दे देता हूँ। जैसे मैं इसे नाम दे देता हूँ fun.c दे देता हूँ। सी की फाइल है तो एक्सटेंशन सी ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ void main, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले मैं अंदर एक लाइन लिखता हूँ, जैसे मैं अंदर लिख देता हूँ किसी का नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ श्याम, इसके आगे दो ब्रैकेट्स लगा दूँ, मतलब ये एक फंक्शन है। तो कंपाइलर इस जब प्रोग्रामिंग शुरू करेगा एग्जीक्यूशन, तो जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा तो पहली लाइन ये देखेगा, दूसरी लाइन यहाँ कर्ली ब्रैकेट अंदर आएगा, अंदर आने के बाद पहली लाइन उसे ये मिलेगी श्याम। तो ये एक फंक्शन है, वो इसका मीनिंग ढूंढने के लिए अब गया लाइब्रेरी फाइल में। जब वहां पे इसके बारे में नहीं बताया गया, डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये दे देगा एरर। तो इसके लिए मैं इसके बारे में लाइब्रेरी फाइल में खुद जाके बताऊं, या फिर मैं मेन से अलग कहीं, तो जैसे यहाँ पे जगह है थोड़ी सी, मैं यहाँ पे उसका मीनिंग अभी बता देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ श्याम, दो ब्रैकेट्स दे देता हूँ, अब मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। जैसे कर्ली ब्रैकेट मैंने दे दिए, अगर मैं यहाँ सेमी कोलन दे दूंगा तो मैं तो श्याम को क्लोज कर दूंगा, नहीं, मुझे तो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे एक लाइन लिखता हूँ प्रिंटएफ, और मैं अंदर लिख देता हूँ हेलो। अब ये कोड मैं लाइब्रेरी फाइल में लिखने से अच्छा मैंने प्रोग्राम में ही लिखा है। जैसे ही कंपाइलर को मैं बिल्ड करूंगा और रन करने जब जाऊंगा, तो कंपाइलर अपना एग्जीक्यूशन मेन से ही शुरू करेगा, भले ऊपर कुछ भी लिखा हो, उसे रीड नहीं करता, हमेशा अपना एग्जीक्यूशन मेन से शुरू करता है। पहली लाइन यहाँ आएगा वो, फिर वो जब इस लाइन को पढ़ेगा श्याम, इसका मीनिंग ढूंढने के लिए पहले लाइब्रेरी फाइल में जाने से पहले वो यहीं चेक कर लेगा, अरे यहाँ पे तो श्याम के बारे में बताया है, तो वो देखेगा क्या बताया, प्रिंट एफ हेलो, तो हेलो को वो प्रिंट करेगा। जैसे ही ये एंड होगा फिर वो अपनी जगह पे फिर से आएगा और इसके आगे की लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैं इसके आगे लिख देता हूँ प्रिंट एफ फ्रेंड्स लिख देता हूँ, जैसे फ्रेंड्स,
तो मैं भी इसे कंपाइल करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं बिल्ड कर रहा हूँ, बिल्ड के बाद यहाँ ऑप्शन है रन, तो आप लोग देख सकते हो हेलो फ्रेंड्स प्रिंट हो रहा है। ये हेलो जो है सबसे पहले मेन के अंदर आने के बाद कंपाइलर ने पढ़ा, श्याम इसका मीनिंग ढूंढने के लिए ऊपर गया तो उसने हेलो प्रिंट किया, फिर अपनी जगह पे वो वापस जब आया तो अगली लाइन उसे दिखी फ्रेंड्स, तो उसने फ्रेंड्स को प्रिंट किया। आप लोग चाहो अगर आप ये लाइन को ना लिखो और अब मैं रन करूं तो सिर्फ मेन के अंदर जो लाइंस लिखी हैं वो ही चलेंगी। जैसे मैं बिल्ड करता हूं एंड रन, आप लोग देख सकते हो सिर्फ फ्रेंड्स प्रिंट हो रहा है, हेलो प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हेलो भी प्रिंट करवाना है, आप चाहो तो नीचे भी करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे श्याम नाम के फंक्शन को 2 बार लिखता हूँ, कंपाइलर पहली बार फ्रेंड्स प्रिंट करेगा, फिर श्याम का मीनिंग ढूंढने के लिए वो ऊपर आएगा और हेलो को प्रिंट करेगा, फिर अपनी जगह पे जाएगा, फिर अगली बार फिर से श्याम का मीनिंग ढूंढने के लिए वो ऊपर जाएगा और फिर से हेलो प्रिंट करके अपनी जगह पे आएगा और प्रोग्राम को स्टॉप करेगा। तो देखते हैं, इसे भी मैं रन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बिल्ड एंड रन करता हूँ तो देख सकते हो फ्रेंड्स हेलो हेलो प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मैं अभी और वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ और जल्द से जल्द आपको सी प्रोग्रामिंग के सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से सारे वीडियोस देखने को मिले। और ये मेरा फ़ोन नंबर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे आप मुझे मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।